बेटा आप कहाँ जा रहे हो? मैं तो अपने घर जा रही हूँ। पर आप ऐसे वॉक करके क्यों जा रहे हो? आपकी मम्मी ने मेरे को भेजा है, आप आओ मेरे साथ। लेकिन मम्मा ने क्यों बोला? मैं तो रोज ऐसे ही जाती हूँ वॉक करके। वो क्या है ना बेटा, आपकी मम्मी को ना अर्जेंटली काम था तो उन्होंने मेरे को भेजा आपको लेने के लिए। बट अंकल मैं तो आपके साथ ऐसे नहीं जा सकती। क्यों बेटा? क्योंकि मम्मा पापा ने मना किया है किसी भी स्ट्रेंजर के साथ नहीं जाना, तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती। बेटा मैं ना आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी मम्मी को ना अर्जेंटली नानी के घर जाना पड़ा। नानी के घर अर्जेंटली? पर क्यों अंकल? वो क्या है ना बेटा, आपकी नानी के यहाँ ना किसी की तबीयत बहुत खराब है। किसकी तबीयत खराब है? देखो बेटा वो तो मुझे नहीं पता किसकी तबीयत खराब है, लेकिन आपकी मम्मी ना बहुत डरी हुई थी और उन्होंने मेरे को भेज दिया आपको लेने के लिए, तो आप मेरे साथ चलो। ठीक है अंकल, मैं आपके साथ चलती हूँ। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई भी स्कूल लेने आए और बोले कि आपके मम्मा पापा ने हमें भेजा है आपको लेने के लिए, तो आप उससे वो कोडवर्ड पूछना जो हम आपको रोज सुबह बताएंगे। और अगर उसको वो कोडवर्ड ना बताओ तो उसके साथ कभी भी नहीं जाना, समझे? कभी भी नहीं जाना उसके साथ। एक मिनट अंकल, कोडवर्ड क्या है? कोडवर्ड? कैसा कोडवर्ड? अगर मम्मा ने आपको भेजा होता तो उन्होंने आपको कोडवर्ड भी तो बताया होता ना। अच्छा हाँ, कोडवर्ड हाँ उन्होंने मेरे को बताया था, लेकिन जल्दी जल्दी में ना मैं भूल गया। अगर आपको कोडवर्ड नहीं पता तो मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बेटा जाना तो पड़ेगा ना, आपकी मम्मी ने बुलाया है, आओ बैठो। नहीं अंकल, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। देखो बेटा, अगर तुम मेरे साथ नहीं चली ना तो मैं तुम्हें जबरदस्ती लेके जाऊंगा। अगर आप ऐसा जबरदस्ती करोगे तो मैं शोर मचाऊंगी। हेल्प हेल्प बचाओ, हेल्प वीडियो इसलिए बनाया ताकि माँ बाप अपने बच्चों को सिखा सके कि अगर कोई अनजान इंसान उनको ले जाने के लिए बोलता है तो वो सीक्रेट कोड वर्ड को कैसे यूज कर सकता है। ये कोड वर्ड कुछ भी हो सकता है जो आपके बच्चों को इजीली याद रहे, पर किसी और के लिए गेस करना उतना ही मुश्किल होना चाहिए। और कोशिश करिए कि ये कोड वर्ड रोज बदले। ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जब बच्चों ने अपने आप को किडनैप होने से बचाया सीक्रेट कोड वर्ड की वजह से। और प्लीज कोशिश करिए कि अपने बच्चों को स्ट्रेंजर डेंजर के बारे में जरूर बताएं, बिकॉज देयर सेफ्टी इज इन योर हैंड्स, सो ऑलवेज बी अवेयर। आई सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। हम ऐसी अवेयरनेस सेशंस बनाते रहेंगे, और अगर आपके साथ कभी कोई स्कैम हुआ है या आप किसी को जानते हैं जिसके साथ स्कैम हुआ हो, तो आप ये स्कैम सेवियर्स नाम का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस ग्रुप में स्कैम्स के बारे में पोस्ट कर सकते हैं ताकि और भी लोगों को उस स्कैम के बारे में पता चल सके। So see you in the group. Thank you.